तो भाई सबसे ज्यादा मेहनत हम नहीं कर रहे, वो भाई कर रहे हैं टेंट बंद करने। आप मुझे बताओ टेंट का कॉस्ट कितना आया? टेंट का आया मेरा इसका। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वरुण वरुण व्लॉग्स। सो गाइस, आज हम देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर कम से कम भाई मॉडिफिकेशन हो रखी है 2-3 लाख रुपए के आसपास की। और ये टेंट देख सकते हो एक्सयूवी के अंदर अभी तक भाई 2-3 ही है जिनके जिन्होंने लगवाए हुए हैं। ये भाई ने अभी लगवाया, तो आओ भाई से मिलवाते हैं आपको। तो क्या हाल है आजम भाई? बढ़िया। तो भाई का चैनल भी है, वो बाद में बताएंगे आपको किस नाम से। अभी आप भाई से पूछते हैं कि क्या क्या कितने पैसे लगा दिए भाई ने और कितना कुछ कर दिया इस गाड़ी के ऊपर और क्या क्या अभी और बनाना चाहते हैं भाई इसको। तो भाई मेरे को बताओ टोटल आपने जो इतनी मॉडिफिकेशन कराई है वो मॉडिफिकेशन सब अभी सिनेमैटिक में दिखा देंगे आपको। पहले तो ये बताओ ये भाई कैसे मतलब क्या बनवा दिया तुमने इसको? ये घर बनवा दिया हमने। मतलब इसके मतलब ये भाई है ना ट्रैवल वगैरह करते रहते हैं। भाई का चैनल है, अभी वो चैनल दिखा देंगे किस नाम से है। तो भाई ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं तो भाई होटल्स वगैरह का इशू पड़ता है, आप सबको पता ही है। तो भाई ने इसलिए टेंट ही लगवा दिया इसके ऊपर। तो भाई इस टेंट के अराउंड कॉस्ट बताओ मेरे को कितना भाई और कब लगवाया, कितनी आई? ये अभी मैंने कल ही लगवाया। तो भाई कल ही लगाया टेंट और आज ही वीडियो हमारे चैनल पे आ गई। तो इसी बात पे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, 2 लाख रुपए की मतलब गाड़ी मॉडिफिकेशन है। आप मुझे बताओ टेंट का कॉस्ट कितना आया? टेंट का आया मेरा इसका 65,000 रुपए। 65,000 रुपए। और मतलब इसमें इशू आया कोई लगने में आपको कुछ? नहीं, इशू लगा हो। बहुत इजी फिटिंग है यार। और कितनी देर में लगा दिया था उन्होंने? एक्चुअली क्या है ना कि इसकी 2-3 पत्तियां होती हैं, ये इनको बनानी पड़ती हैं। अच्छा, दिखा देता हूँ आपको। दिखा दो भाई, थोड़ा सा भाई इधर दिखा। ये जो पत्तियां है ना, ये सब गाड़ियों की अलग अलग लगती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसी को मतलब पत्तियों को इसकी तरह से बैंड करते हैं। आप मुझे ये बताओ टोटल इसमें कितना टाइम लग गया था आपका? टोटल टाइम लगा होगा करीब करीब अराउंड 4 घंटे। 4 घंटे में पूरा आपका ये घर तैयार हो गया? पूरा घर। मतलब भाई ये चलता फिरता घर है तो आप देख सकते हो। और भाई बाकी ने भाई ने जो मॉडिफिकेशन करा रखी है, भाई थोड़ा सा इधर आओ, भाई का चैनल दिखा देते हैं आपको। तो भाई ये चैनल है भाई का लाइफ ऑन वे। और जो जितने भी भाई देख रहे हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे चैनल को भी कर ही देना, ठीक है? जिन्होंने नहीं कर रखा भाई, काफी अच्छी मतलब कस्टमाइजेशन करा रखी है भाई ने। अभी आपको इंटीरियर दिखाएंगे क्या क्या चीज इसमें मॉडिफिकेशन करा रखी है। और भाई मैंने एक चीज नोटिस करी है, ये जो गाड़ी है मैनुअल है बट इसके अंदर टायर लग रहे हैं ऑटोमेटिक गाड़ी के। तो भाई टायर का क्या लोचा है वो थोड़ा सा मेरे को समझाओ। एक्चुअली ना मुझे ना ऑफ रोडिंग ज्यादा बहुत एक्सट्रीम वाली ऑफ रोडिंग तो पसंद नहीं है, मतलब ऐसा कहीं गाड़ी वो चढ़ा दो ऊंचा नीचा, लेकिन फिर भी टायर अच्छे होने चाहिए। ये टायर आपने चेंज करवाए? हां, टायर चेंज कराए, मतलब चारों टायर चेंज नहीं, मैक्सिस के टायर है। मतलब प्रॉपर ऑफ रोड नहीं है, लेकिन भाई ट्रैवलिंग का भाई का चैनल है, जाके एक बार विजिट करना और भाई कमेंट करके बता देना वरुण वर्मा ब्लॉग से आए हैं, तो भाई को भी थोड़ा सा प्यार दिखाना। तो भाई इसमें और जो अपने इंटीरियर से मॉडिफिकेशन करा रखी है, भाई एक चीज और दिखाता हूँ, तुम्हें पीछे से दिखाते हैं। इसके अंदर अंदर पीछे की सीट ही हटवा रखी है भाई ने। भाई हटवा रखी है ना अपने सीट इसमें? ये अपने हाथ से निकाल दिया हमने, इतना काम हम खुद ही कर लेते हैं। ये भाई ने खुद ही कर दिया, मतलब पीछे की सीट ही हटी हुई है कि सारा सामान वगैरह डैम्पिंग कर रखी है। डैम्पिंग कहाँ कहाँ? पीछे इस पे भी हो रही है, चारों मतलब इस पे हो गई और आगे पीछे साइड बोनट छोड़ के हर जगह बोनट छोड़ के। तो भाई बूट स्पेस देख सकते हो काफी बढ़ चुका है सीट हटाने की वजह से। तो भाई बाकी इसमें ये भाई ने एक चीज रख रखी है, ये भाई तुम सब सारे भाइयों को मैं बताता हूँ, अगर आप भाई कहीं ट्रेवल करते हो कुछ करते हो, कहीं आपकी बैटरी भगवान ना करे ऐसा कि डिस्चार्ज हो जाए, तो इस जुगाड़ को जरूर रख लिया करो अपने पास। ये कोई प्रमोशन नहीं है, तो इसको रख लिया करो। भाई ने वैसे भी रख रखा है, बहुत बढ़िया कर रखा है, बहुत जरूरी चीज है। बाकी भाई ने इंटीरियर करा रखा है इसका थोड़ा बहुत, वो आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा इधर आओ, देखो आपको रूफ दिख रही होगी भाई, वो रूफ को चालू कर देना आप। तो भाई देखो रूफ इसकी रोल्स रोल्स वाली रूफ करा रखी है, ब्लैक करवा रखी है, प्लस ये लाइट्स है और चेंज भी हो जाती है रिमोट से ही। छुटगांव में भाई एक दो गाड़ियों में टेंट देखा होगा और भाई की गाड़ी भी है जिसमें एक जिसमें हमने टेंट देख लिया। और भाई चढ़ के दिखाते हैं टेंट में कंफर्ट कैसा है, अब कि बंदा रह सकते हैं नहीं रह सकते उसके अंदर, तो आओ दिखाते हैं। तो भाई ये जो बैग दे रखा है ना, ये चप्पल जूतों के लिए दे रखा है कि ऊपर चढ़े नीचे से कोई उठा के ना ले जाए, गंदे हो जाते हैं। अरे चप्पल चोर भी तो होते हैं, ले जाते हैं नीचे से। तो भाई इसमें डाल देना और भाई कोई काफी अच्छा कंफर्ट है इसके अंदर, आपको दिखाते हैं। मतलब काफी यार देखो मन नजारे तो कोई कमी नहीं है नजारों की, देख सकते हो तुम। मतलब यार नजारे तो एक ही नंबर की, 60-65 हजार लगा दिए, वर्थ है नहीं है? बिल्कुल, दुनिया देखती है। बिल्कुल, ये तो कम है जिस हिसाब से ये यूज में आने वाला है। अगर आपने आप ब्लॉगिंग कर रहे हो और आप बाहर जा रहे हो, हाँ, इस हिसाब से आप रूम लेते हो, एक बार रूम लेते हो एक नाइट का कितना रुपए? भाई 1000-2000 रुपए तो लगते ही है मिनिमम है। अच्छा लेगे तो कम से कम 1500 रुपए। बिल्कुल भाई, मिनिमम 2000 मान लो। अगर आपने 20-25 बार ले लिया रूम तो वो तो कितना होगा भाई? मतलब पैसे बच जाए, एक महीने में पैसे फ्री हो जाएगा ये। ये भाई जितने का लगवाया भाई ने उतने का भाई ये फ्री हो जाएगा। मतलब कि भाई ने 60-65 हजार रुपए लगाए और मान लो अगर इतनी बार रूम भी नहीं मिला और ये अपनी जगह
अपना कंफर्ट और जैसे रहना है वैसे रह सकते हो, खाओ पियो मौज करो और तीन जने तो आराम से रह सकते हैं इसके। भाई इसकी कुछ गारंटी वारंटी भी भाई ने दी आपको जिससे आपने लगवाया? इसकी फटने की वारंटी है, कटने की अगर काटेगा कोई तब तो देखो कहीं भी वारंटी नहीं मिलेगी। अच्छा, मतलब लेकिन अगर ये ऐसे फटता है ना नॉर्मली, हाँ जी वारंटी है इसकी, मतलब वारंटी है कटने कटने की, बस काटे ना कोई, कोई जला ना दे। बीड़ी सिगरेट पीते हैं कई बार, हम लोग तो नहीं पीते लेकिन कई लोग पीते हैं। बढ़िया भाई, स्मोकिंग करनी भी नहीं चाहिए, उससे बचा के रखना है। चलो बाकी अगर हवा भी चलती है, मतलब मैं खुद बैठा हूँ भाई गाड़ी में तो मैं पर्सनल उससे बता रहा हूँ, बीच में ना स्पेस दे रखा है, अभी स्पेस तुम्हारे को दिखाते हैं, ऐसा कुछ स्पेस है देखो, मतलब चलती है तो पता नहीं चलता। ये देखो ये अपना भाई खड़ा है। हाँ भाई चैनल सब्सक्राइब है, ठीक है कल के ब्लॉग में देख लियो। तो भाई ये देखो ऐसा कुछ, इसकी स्टेनलेस स्टील की सीढ़ी मिल जाती, इसकी भी वारंटी होगी भाई? हाँ इसकी वारंटी है। चलो मतलब इन्हीं सब चीज़ों की वारंटी है, मतलब यार वर्थ है पूरे 60-65 हज़ार रुपये लगाना इसके ऊपर। और भाई अंदर से कुछ ऐसा है, और बढ़िया ट्रैकिंग कर सकते हो आप, देखो इतना स्पेस है इसके अंदर पूरा, मतलब रह भी सकते हैं तीन जने तो आराम से, खाना पीना भी कर सकते हैं आराम से, बढ़िया बैठ भी सकते हैं। और ये प्लस पॉइंट है कि अपनी जगह है, कोई कुछ कह ही नहीं सकता, होटल्स में रहता है कि कोई कुछ कह देता है। गाइस इसके अंदर जो रूफ इंस्टॉल करा रखी है, पहली बात तो रूफ ब्लैक करा रखी है, और रोल्स रोल्स वाली लाइट भी इंस्टॉल करा रखी है जिसका रिमोट मिलता है, जिससे हम चेंज भी कर सकते हैं। देखो अभी रेड हो गई, रेड कलर फेवरेट है तो भाई रेड ही रखेंगे। बाकी नॉर्मल जो कंपनी से इसका इंटीरियर आता है वो करा रखा है, सीट कवर्स वगैरह इंस्टॉल करा रखे हैं भाई ने। मतलब भाई ये कितने किलोमीटर चला दी भाई आपने? तो भाई टोटल ये इतनी चली हुई गाड़ी है। और भाई कमेंट में कोई ये मत कहना सेल ही लिया भाई, बेचने नहीं वाले, भाई गुस्सा हो जाएंगे, नहीं तो भाई के चैनल पे जाके देखना, काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेवल्स करे हुए भाई ने। और भाई ये गोप्रो का माउंट लगवा रखा है जो आपको पता ही है कि सारे ब्लॉगर्स यूज़ करते ही हैं, तो भाई ने उसके लिए डैश कैम भी ऑर्डर कर दिया है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इंस्टॉल होएगा तो अपने चैनल पर डल जाएगी वो वीडियो। मतलब इसके अंदर मॉडिफिकेशन जो कर रखी है ना भाई, नेक्स्ट लेवल कर रहा है। मतलब जो सबसे यूनिक लगा मेरे को टेंट लगा, बाकी रूफ वगैरह तो और गाड़ियों में भी देखी है, बट यार ये। ओ भाई एक बात बताओ, अगर ये किसी को छोटी गाड़ी में टेंट लगवाना हो लग जाता है? हाँ, ऑल्टो उसमें, ऑल्टो में भी लगवा रखा है एक बंदे ने। अच्छा ऑल्टो में भी टेंट लगवा रखा है? ऑल्टो में भी एक बंदे ने टेंट लगवा रखा है। हाँ तो भाई अगर तुम्हारे पास अल्टो है ब्रेजा है तो भाई उसमें भी लगवा सकते हो। और भाई पहली बार बता दूं, इसमें वेट नहीं है, कितने किलो भाई टोटल बता रहे थे आप? टोटल 40-45 किलो, 40-45 किलो वेट आ रहा है इसके अंदर। और आपको टोटल एक बात बता देते हैं, मतलब कि अल्टो से लेके आप कोई भी गाड़ी हो, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, ये नहीं कि बाइक पे आप जाओ टेंट लगवाने, शायद उस पर भी लग जाए इन फ्यूचर, बट आप किसी भी गाड़ी में टेंट इंस्टॉल करवा सकते हो। और पहली बात प्रमोशन नहीं है ये, और भाई के चैनल को जरूर जाके सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस इसके अंदर ये सारी लाइट मॉडिफिकेशन हो रखी है, व्हाइट लाइट मतलब कंपनी कोई भी नहीं देती, भाई ने प्रोजेक्टर में भी चेंज करा रखा है, एचआईडी भी करा रखी है, और डीआरएल्स भी जल चुके हैं, डीआरएल्स व्हाइट आते हैं बस इसके कंपनी से, बाकी सारी चीजें भाई ने व्हाइट करा रखी है। और आपको भाई इधर आओ एक चीज दिखाते हैं, जो भाई कहते हैं ना महिंद्रा इतना एडवांस क्यों हो चुका आज की डेट में, मतलब भाई ये कौन सा मॉडल है? 2016 भाई, 2016 मॉडल है। और ये आप डोर हैंडल देख सकते हो, मतलब आज वाली SUV 700 में भी कुछ यूनिक ही है, और इसमें भी कुछ यूनिक ही दे रखा है, मतलब ऐसे हैंडल्स किसी गाड़ी में आज तक भाई देखे तुमने? देखे हो तो कमेंट में बताना मुझे। जितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसको खोलने में और बंद करने में, भाई बंद कर रहे हैं इसको, भाई भाई जो तुम यहाँ देख रहे हो ना, ये इसका भाई गद्दा है, मैट्रेस काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब कुछ भी कर सकते हो तुम इस पर। तो भाई सबसे ज्यादा मेहनत हम नहीं कर रहे, वो भाई कर रहे हैं टेंट बंद करने में। तो भाई के लिए भाई वीडियो को लाइक जरूर करना है तुम सबने भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करना कर देना भाई, ठीक है। तो भाई जैसे सौरभ जोशी, अलवेश वगैरह भाई, ये जितने भी हमारे भाई हैं जो यूट्यूबर्स हैं, वो भाई इसी जगह पे मैक्सिमम शूट करते रहते हैं। हमने भी थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करके भाई अभी दिखाएंगे गाड़ी से कि थोड़ी सी ऑफ रोडिंग में कैसा परफॉर्मेंस करती है, अभी थोड़ा सा घुमा के आपको दिखाते हैं सिनेमैटिक्स में, आप इंजॉय करना। आपको मिलता है एक बढ़िया से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।